हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का द भारत ऑनलाइन एजुकेशन ऐप और मनीष सर के यूट्यूब चैनल। हाँ, जल्दी जल्दी सभी लोग आते जाएं। टेस्ट सीरीज हैज बीन स्टार्टेड। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ते जाएं। लेट मी चेक टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी सभी लोग अटैच होते जाएं। जी, यूट्यूब वाले सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। जी, दा भारत वालों को भी गुड इवनिंग। चलिए, शैल वी स्टार्ट अवर क्लास। बढ़िया सी टेस्ट सीरीज है, शानदार वाली। मैं आप लोगों के ही सामने इसलिए एडजस्ट कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे कि आप कहीं भी कोई चीज आपको सही समझ में नहीं आए। सो जस्ट कमेंट ऑन द हाँ भाई, देखना जरा ये साइज सही है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी स्पेशल सेशन ऑफ टेस्ट सीरीज। वी आर जस्ट गोइंग टू डू टेस्ट सीरीज नंबर 21। आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ नहीं, many of the students were missing the test series classes before sometime on the Bharat as well as YouTube. So I have brought Shivani Tomar ne kaha sir speaking classes kab se shuru honge? Beta ji, abhi ye competitive class chal rahi hai और जब आपको एक्स्ट्रा क्लासेस या जो भी है एक्स्ट्रा क्लासेस स्पीकिंग या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ओनली वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाँ, वो क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होंगे, लेकिन वो क्लासेस ऑफलाइन बैचेस में पॉसिबल होंगे, ठीक है? चलिए, बस 2 मिनट और इसको से एक बार सेट कर दूं, फिर उसके बाद आप आराम से टेंशन फ्री होकर आंसर देते रहना। देखते हैं आज कौन जीतता है, किसके ज्यादा सही आंसर जाते हैं, बॉयज के कि गर्ल्स के। वैसे आप सबके हिसाब से कौन जीतना चाहिए, बॉयज के गर्ल्स? जितनी भी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में नहीं मिलती जाया करें ना, इनको अच्छे से पढ़ लिया करो, और इनमें से रिलेटेड कोई डाउट हुआ करे तो आप एक्स्ट्रा पूछा भी करो।
हाँ भाई, जल्दी जल्दी से आंसर के लिए तैयार हो जाओ। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आर टेस्ट सीरीज बैच एंड यू विल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज। फर्स्ट यू टेल मी एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स दैट एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। चलिए, या अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मनीष सर। एक बार फिर आप सभी के सामने द भारत ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर और साथ ही साथ मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के सामने मैं एक बार फिर टेस्ट सीरीज बैच लेकर आया हूँ बहुत शानदार तरीके से। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मेरा बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, बिल्कुल कहीं समझ में आ रहा है सबको? यस सर, क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके। द भारत, राहुल सिंह, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। जी चलिए, सो आई वुड लाइक टू टेल यू, या आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम। सर व्हाट यू मीन बाय एंटोनिम? एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम का मीन्स होता है विपरीत शब्द, विलोम शब्द जिसको कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया कि आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेलाइज। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? मेलाइज। मेलाइज का आपका सिनोनिम होना क्या चाहिए? जल्दी से सेंटेंस को पढ़िए और कमेंट कीजिए आपका क्या होना चाहिए आंसर। हाँ, सभी लोगों ने इसका सी आंसर बोला है। लेट मी चेक, कई लोगों ने बोला है ए और कुछ लोगों ने सी। जी, द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड मेलाइज। मेलाइज का मतलब क्या होता है? तो मेलाइज मींस होता है ईर्ष्या, जलन, द्वेष। किसी ईर्ष्या, जलन, द्वेष या ऐसी भावना जिसके अंतर्गत अगर किसी का बुरा हो रहा है तो आपको बड़ी खुशी होती हो। एक ऐसी भावना जिसमें आप दूसरे का बुरा चाहते हैं उसको मेलाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेलाइज। अब मेलाइज का एंटोनिम पूछा गया तो जर चेक करते हैं। एक तरफ आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, जलन रख रहे हो, बैर भाव रख रहे हो कि अगर उसका बुरा हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तो दूसरी तरफ इसका एंटोनिम क्या हो गया? एक्सट्रेसी। एक्सट्रेसी मीन्स तो परमानंद होता है। अब आप कहेंगे सर परमानंद क्या होता है? तब मैं आपको कहूंगा परमानंद मतलब आनंदों का आनंद, मतलब परमानंद। परमानंद का मतलब होता है एक ऐसी खुशी जिसको मैंने आपसे कहा क्या? आकाश सिसोदिया। चलिए, अभी आप इसको टेस्ट सीरीज को पढ़ें, बाद में कॉल करें मुझे। हाँ सर, आप अभी क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? आरती जी। जी जी आरती, हाँ क्लासेस चल रही हैं, बस एक आध क्लास अभी मैंने नहीं ली थी और मैंने बोल दिया था सारी क्लासेस अब द भारत पर फॉरवर्ड कर दूंगा, तो द भारत पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सर प्लीज टेल मी, मेरे कमेंट शो हो रहे हैं क्या? निशान सारस्वत, बिल्कुल शो हो रहे हैं आपके कमेंट। हाँ, फर्स्ट का सी बोला आपने। चलिए गाइस, अब हम लोग बोर्ड पर ध्यान देते हैं और केवल केवल टॉपिक की बात करते हैं। गाइस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेलेस। मेलेस मींस होता है किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, भैरभाव, बैर भाव रखा जाता है, उसी को हम इंग्लिश में मेलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलाइज। अगर आप एक तरफ दूसरों का बुरा सोच रहे हो तो एक तरफ उसका क्या कर रहे हो? सम्मान। सम्मान करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑनर। क्या बोलते हैं? ऑनर। ऑनर शुड बी द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर फॉर दिस आंसर इज ऑनर। हैप्पीनेस मतलब खुशी हो गई, और गुडविल, गुडविल मतलब होता है ख्याति। गुडविल का मतलब क्या होता है? ख्याति। ख्याति समझते हैं आप लोग, किसी का नाम है क्या ख्याति? चलिए, तो ख्याति का मतलब होता है आपकी फेम, आपकी पॉपुलैरिटी जो होती है उसको हम इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल। जितना आप इतना नाम कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं, उसी को ख्याति बोला जाता है। कंडीशन क्लियर सभी को? चलिए, सो गाइस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस और एक्सटेसी। दोनों का मतलब खुशी होता है, पर डिफरेंस क्या होता है?
हैप्पीनेस मतलब एक सामान्य खुशी, और परमानंद मतलब सुकून देने वाली खुशी जिसे कहा जाता है। परमानंद का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तो आप एग्जाम याद करो, वो एग्जाम के दिन जब रात रात भर दो दो तीन तीन चार चार बजे तक आप पढ़ा करते थे और चार बजे तक झोंके खाते हुए जैसे जैसे पढ़ रहे होते थे, फिर लास्ट चार बजे जब विकेट गिरता था आप नीचे आपकी किताब आपके ऊपर होती थी, तो वो चीज क्या कहलाता, परमानंद, सुकून देने वाली जो खुशी होती है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आनंदों का आनंद, परमानंद यानी एक्सटेसी। बस ऐसे ही याद आते हैं, ठीक है। आप किसी अच्छी चीज के लिए फेमस, फेमस जरूरी नहीं है अच्छा बुरा, जो चीज सब लोग जानते हैं उसको फेमस कहा जाता है। पहले के जमाने में हम लोग जानते थे कि ब्रश कोई भी, हम लोग टूथपेस्ट लेने जाते थे कुछ नहीं बोलते, सीधे बोलते कोलगेट दे दो, तो वो क्या था, फेमस था। अच्छा हो या बुरा वो फेमस कहलाएगा, लेकिन अगर यही चीज अच्छे कारणों की वजह से फेमस होता है, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में एमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिनेंट। अगर जैसे कोई डॉक्टर फेमस है, कोई टीचर फेमस है, दीज आर ऑल एमिनेंट पर्सनैलिटीज, क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी। और फेमस तो यार विजय माल्या भी है पैसे खाके वक्त गया, फेमस तो रिया चक्रवर्ती भी है जेल में चली गई आज, तो कहने का मतलब वो फेमस नहीं, वो उसके लिए वर्ड आएगा नोटोरियस। कौन सा वर्ड आएगा, नोटोरियस। एक ऐसा पर्सन जो फेमस तो है लेकिन बुरे कारणों की वजह से, बुरी चीजों की वजह से, उसको हम इंग्लिश में नोटोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटोरियस। तो एक चीज क्लियर होगा भी हम लोगों को, अगर अच्छे सेंस में होगा तो एमिनेंट होता है यानी पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में होता है तो नोटोरियस होगा, पॉजिटिव सेंस में एमिनेंट, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में होगा तो फेमस हो जाएगा। ओके चैंपियंस, चलिए। हाँ, सूखे नशे वाली, अबे चल पढ़ाई कर, इधर देख। हाँ, ऑनर, ऑनर का मतलब क्या हो गया, सम्मान। तो बेटा सब लोग जानते हैं ईर्ष्या जलन बैर भाव का अपोजिट क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, सम्मान के सेंस में आ जाएगा ऑनर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज फ्लैबी। कौन सा वर्ड आता है, फ्लैबी। Just answer me, what should be the answer according to you? Flabby का मतलब क्या होगा? Harmeet Kaur, very good evening जी। Anjali, sir, owner का मतलब क्या होता है? Anjali ने कहा, बेटा owner means होता है सम्मान, किसी का सम्मान। तो एक तरफ आप ईर्ष्या रख रहे हो, हमेशा बुरा सोच रहे हो, दूसरी तरफ उसका सम्मान कर रहे हो, तो दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए थे, ऑनर इज द राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्लैबी। फ्लैबी का synonym, sorry, antonym क्या होगा आप सभी के अकॉर्डिंग, जस्ट चेक इट आउट, फ्लैबी का अकॉर्डिंग। जी राजा शर्मा, गुड इवनिंग। हाँ जी राजा, आंसर दो, फ्लैबी मींस भी हम ही बताएं तब आंसर दोगे आप शिवानी जी। हाँ, फ्लैबी का मतलब होता है, चल पहले आप सब लोग आंसर दे दो। शुक्ला जी ने कहा है ए, प्रियंका बघेल ने कहा है ए, और राजा ने ड्रिजरी लगाओ, ये तुक्के लगाओ अपना, क्या जा रहा है इसमें, मेरा क्या जाता है, तेरा घाटा, जल्दी बताओ। निशांत ने सी बोला है, विष्णु ए, शिल्पी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आंसर दो। शिल्पी सॉफ्ट, वेरी गुड, शिल्पी इज वेरी गुड, शी हैज क्लियर कट कंसेप्ट। ओके गाइस, तो आंसर होगा हमारा सी, कोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी कोर्स। फ्लैबी, फ्लैबी मींस होता है क्या, फ्लैबी मींस होता है जैसे मैंने आपसे कहा बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो होता है, फ्लैबी मींस होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट मुलायम से जो होता है ना उसको फ्लैबी बोलते हैं। अगर फ्लैबी का हमसे सिनोनिम पूछा होता तो कोजी होता, कोजी का मतलब भी क्या होता है, मुलायम होता है, कैसा होता है, मुलायम। याद करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, आप याद रखना लक्स कोजी, ये आराम का मामला है, तो आराम का मामला है तो मतलब कोजी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोजी, कोजी मतलब आरामदायक होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या है, एंटोनिम नहीं यानी सिनोनिम नहीं चाहिए, हमको चाहिए एंटोनिम, और एंटोनिम होता है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा, कोई चीज टफ सी है, खुरदुरी सी है, उसी को कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ट्राउजर्स आप पहनते हैं बहुत सॉफ्ट से होते हैं, और जीन्स अगर डेनिम में पहनते हैं तो वो बहुत ज्यादा टफ सी होती है, कोर्स होता है कपड़ा, तो कोर्स इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर्स। ठीक है, ट्यूमल्ट क्या होता है भैया, ट्यूमल्ट मतलब होता है भगदड़, भगदड़, अरे यार समझ गया ना, दिख रहा है ना, चलो ठीक है।
भगदड़, अगर भयंकर तरीके से भगदड़ मच जाए, भयंकर शोर शराबा मच जाए, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिमल्ट। टिमल्ट से वर्ड बनता है टिमल्टस, टिमल्टस एटमॉस्फेयर होता है। अगर आप कहीं पर किसी जगह मूवी देखने गए, अचानक चार पांच लोग चिल्लाते हुए हैं बम बम बम, तो अचानक क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, शोर शराबा मच जाएगा, बचाओ 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 मच जाएगा, उसी के टिमल्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिमल्टस। हाँ, यही अगर सीन अगर शिव जी के मंदिर में हो तो कोई शोर शराबा नहीं मचेगा, कोई भगदड़ नहीं मचेगी। अगर किसी ने जोर जोर से चिल्लाया भी ना बम बम बम, तो पीछे से लोग आवाज लगाएंगे बोले चलिए इधर आ जाए। तो टिमल्ट, टिमल्ट का मतलब हो गया भगदड़ या शोर शराबा जैसे कहा जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, पैंडेमोनियम टिमल्ट कहलाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर ये वाला है कोर्स। ड्रजरी क्या होता है, ड्रजरी मींस होता है बोरियत। जब आप किसी चीज से ऊब चुके हो, पक चुके हो, तक चुके हो, तक चुका मतलब होता है ना, ठीक है, किसी चीज से थक चुके हो, पक चुके हो, बोर हो चुके हो, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रजरी। लॉकडाउन टाइम में क्या करते थे, दिन भर टीवी देखते थे, दिन भर सोते रहते थे, तो वो चीज क्या है हमारा, हम बोर हो चुके थे ऐसी लाइफ से, वो हमारे लिए क्या था, ड्रजरी था। क्या था, ड्रजरी, ठीक है। चलिए सर, फ्लैबी मींस वीकनेस होता है, अच्छा वेरी गुड। फ्लैबी मींस सॉफ्टनेस, मतलब बहुत कमजोर या बहुत कहते हैं ना सॉफ्ट सा भी होता है। इसके एक ही वर्ड के कई मीनिंग भी होते हैं। अब मनीष केवल एक ही पर्सन का नाम थोड़ी ना होगा, कई अलग अलग पर्सन के नाम होंगे। चलो आ जाओ, इनसिंसियर। हाँ अरुण, आंसर दो, इनसिंसियर का आप लोग क्या लगाओगे। हाँ इनसिंसियर, इनसिंसियर का व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। अंजलि ने क्रूअल लगाया, शुक्ला जी ने कहा इनसिंसियर मतलब फेक। हाँ आंसर दो, तोमर साहब को पहले मीनिंग बताओ तब जाके आंसर बताएंगे। मोहिनी, कंसाइंस, कंसाइंस तो आत्मा हो जाती भैया, पूरा लिखा करो। चलिए लेट मी चेक। हाँ जी, हाँ जी, इनसिंसियर। देखो पहला वर्ड तो इनसिंसियर वर्ड दिमाग में आता है, तो सिंसियर का मतलब हमारे लिए होता है गंभीर। लेकिन सिंसियर का दूसरा मीनिंग और होता है ईमानदार को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सिंसियर। एक तो सिंसियर वो होता है बहुत गंभीर से, एंग्री यंग मैन, ऐसा ऐसा लुक वाला है ना। एक होता है इनसिंसियर होता है, तो इनसिंसियर बेईमान को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बेईमान। एक तो इनसिंसियर कौन हो गया, जो ज्यादा ध्यान नहीं देता किसी चीज पर, ना समझ टाइप का। दूसरा होता है बेईमान को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनसिंसियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसिंसियर। अब आपसे पूछा गया भैया एंटोनिम चाहिए, तो कंसाइंशुअस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। कंसाइंशुअस कौन होता है, कर्तव्यनिष्ठ। अच्छा एक बात बताओ, जो अपने कर्तव्य के लिए प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है, तो वो इनडायरेक्टली कैसा, ईमानदार है। तो आंसर बेईमान का अपोजिट क्या हो गया, कंसाइंशुअस, यानी ईमानदार हो गया। सर बाकी के मीनिंग क्या होंगे इन सब के, तो क्रूअल का मतलब होता है, सभी को मालूम है, बहुत ज्यादा निर्दयी जिसे कहा जाता है, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रूअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रूअल। क्रूअल पर्सन सुना होगा, क्रूअल एनिमल सुना होगा, ऐसे जानवर बहुत निर्दयी से होते हैं, काट के चले जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्रूअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रूअल। नेक्स्ट आता है कौन सा, कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक, कॉन्शियस मींस होता है जागरूक, जागरूक मींस होता है कॉन्शियस। अच्छा एक बात मैंने आपसे पूछी, चलो मैं एक सेकंड बात पूछूंगा, नोवाइस, नोवाइस कौन होता है, नौसिखिया। नौसिखिया समझते हो, जो नया नया है। अब जैसे आज अगर पहली क्लास कोई ले रहा है, उसको इनएक्सपीरियंस पर्सन है, वो इतना ज्यादा जानता नहीं टेस्ट सीरीज के बारे में, तो वो चीज हमारा क्या कहलाएगा, नौसिखिया कहलाएगा, ठीक है। चलो मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, ये सबको समझ में आ गया ना, चलो आ जाओ। अवेयर मतलब भी जागरूक होता है, ठीक है। और कौन सा आया था अभी, अभी कौन सा वर्ड आया था जागरूक के लिए, कोई बात नहीं, कॉन्शियस, कॉन्शियस। चलो जल्दी से बताता हूं मैं जागरूक में क्या डिफरेंस है। नोवाइस, टायरो, ग्रीन, ऑन, एमेच्योर कह लो, ट्रेनी बिल्कुल कह सकते हो। जल्दी से कमेंट, अवेयर मींस भी जागरूक, कॉन्शियस मतलब भी जागरूक, जल्दी से बताओ दोनों में डिफरेंस। कमेंट करते जाओ दोनों में, देखता हूं मैं कौन कितना पढ़ के आया। नहीं पता, मैं बताऊं, आर्मानी, चलो अवेयर ऑफ समथिंग बी कॉन्शियस, ओके। अच्छा अवेयर
और कॉन्शियस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्शियस जो होता है वो हमारे सेंसेस के अकॉर्डिंग होता है. किसके अकॉर्डिंग होता है? सेंसेस के अकॉर्डिंग. सेंसेस क्या कहते हैं हमसे वो सुन लो जरा. सेंसेस का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कॉन्शियस, अगर आप नींदों में सो रहे हैं, अचानक आपके ऊपर इधर 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 कोई मकड़ी चल रही है या फिर कोई छिपकली चल रही होगी ना, तो अपने आप से आपका हाथ आएगा उसको मार के ऐसे साइड हो जाएगा. ठीक है, वो आपकी कॉन्शियसनेस है. क्या है? कॉन्शियसनेस. अगर आप सेंसेस के बेसिस पे अगर कहीं चलते हैं, अचानक गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपने देखा कि आपके एकदम से आंख की तरफ कोई कीड़ा आ गया, तो आंख अपने आप बंद हो गई, वो हमारी कॉन्शियसनेस है. क्या है? कॉन्शियसनेस. ये हमारे सेंसेस जो होते हैं, हमारे बॉडी सेंसेस होते हैं, वो हमारे लिए कॉन्शियसनेस पैदा करते हैं. और अवेयरनेस होती है हमारी नॉलेज के बेसिस पे. अगर आप किसी की चीज में ज्ञान रखते हो, किसी चीज की फुल नॉलेज रखते हो, उस फुल नॉलेज के हिसाब से देखा जाएगा तो वो अवेयरनेस में जाती है. किसमें जाती है? अवेयरनेस में. ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. वाई? बिकॉज यू विल हैव टू फेस द एग्जाम ऑन दैट बेसिस. एग्जाम कुछ कठिन नहीं है. एग्जाम में जब बच्चे को भी मालूम था, दोनों का मतलब होता है जागरूक, यानी उसके बारे में जागरूक, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट इज योर रियल एग्जाम्स. ओके, चलिए. सर मेरे में नोटिफिकेशन नहीं आते आपके. आपने क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन साइड में एक बेल आइकन बना हुआ है. बेल आइकन बोले तो वो एक घंटी सी बनी हुई है, उसको जल्दी से बजा देना तो आपको क्या होगा, उसके नोटिफिकेशन आने लगेंगे. ठीक है, जागरूक बट दो एंड के लिए पहले से किसी चीज के लिए प्रिपेयर रहना जागरूक. ठीक है, कह सकते हो, लेकिन नहीं. कॉन्शियस मीन्स अलर्ट. गुड इवनिंग मां साहब, बिल्कुल गुड इवनिंग. अवेयर जागरूक, बिल्कुल. एंड आई एम अवेयर ऑफ रिया अरेस्टिंग केस. ओके ओके, चलिए ये मैंने बता दिया आप लोगों को. आ जाओ, ये चीज आपको जानना जरूरी थी, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ऐसी ही चीजें मिलेंगी सेम से. जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ जल्दी से गलती कहाँ पर है. फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पर? वेयर शुड बी द एरर अकॉर्डिंग टू यू? आप सभी के अनुसार गलती कहाँ पर है? सर हिंदी में मतलब क्या है किस चीज का? अवेयर का मतलब, अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना किसी चीज के प्रति. आप है ना पहले से, अरे हिंदी में क्या, इंग्लिश में तो बोलते हैं अवेयर, हिंदी में बोलते हैं जागरूक, पहले से सचेत रहना. अब ठीक है, चलो चलिए. रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज नॉट द फर्स्ट नोबल लॉरिएट विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री. उसने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, बजा दी बेल, वेरी गुड. अब आ जाएंगे आपके नोटिफिकेशन. आप में से भी कई ऐसे पर्सन हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं और आप पर नोटिफिकेशन नहीं आते, तो या तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो तो फिर उसके बाद आप बेल आइकन जरूर दबा देना, तो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएंगे. सर की क्लास चालू हो चुकी है. दूसरी चीज, एक गुड न्यूज सभी लोगों के लिए लाया हूँ, ये मेरी आखिरी क्लास है यूट्यूब पर. यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं लूंगा, मतलब ऐसी मन करेगा तो आ जाऊंगा, अदरवाइज जैसे रेगुलरली नहीं आऊंगा. अगर आपको पढ़ना है, कई लोगों ने कहा सर हम टेस्ट सीरीज पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम्स फेस करना है, ये सब करना है, तो मैंने उन लोगों के लिए छोटा सा काम किया है. गुड न्यूज है आप सभी के लिए, कुछ ना करो, द भारत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिसमें आपको TTS में शाम को 6:30 बजे टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी. 6:30-6:40 जब बैच शुरू होता है ना, तो एक घंटे की टेस्ट सीरीज आपको कोई चार्ज नहीं होगा, आप बस द भारत पे ही ले पाओगे उस चीज को, यूट्यूब पे नहीं ले पाओगे. तो द भारत को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें पढ़ते रहिए, जितने भी पर्सन है जो लोग देना. ठीक है, चलिए चलिए शुरू करें. रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज नॉट द फर्स्ट नोबल लॉरिएट. रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले नोबल लॉरिएट नहीं थे, यानी नोबल हासिल करने वाले नहीं थे, विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री, बिना किसी यूनिवर्सिटी डिग्री. मैं एक अगर नया स्टूडेंट होता, मैं चेक करता रविन्द्रनाथ टैगोर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? वॉज. बिल्कुल सही है, वॉजवर के साथ नॉट लग गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी आता है तो उसके साथ दा लगता है. अपन बोलते हैं ना ही वाज द फर्स्ट बॉय, शी इज द सेकंड गर्ल, तो उसमें दा लगता है. बिल्कुल सही, नोबल लॉरिएट विदाउट अ यूनिवर्सिटी. कई लोग सोच रहे हैं यू लगाए तो एन लगा दो. भैया यू से दो कंडीशन बनती है, अगर यू से आ का साउंड आता है तो एन लगाया जाता है, और यू से यू का साउंड आता है तो ए ही लगाया जाता है. यहाँ पे ए लिया है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है. विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री, आंसर नो एरर. MTS 2013 में आया वो क्वेश्चन है. MPS के एग्जाम में, ट्रेन मल्टीटास्किंग का एग्जाम होता है, उसमें ये होगा, 2013 में आया हुआ है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माय वॉच. वो कहता है मेरी घड़ी में समय कितने बज रहे हैं? 9:45 बज रहे हैं. ठीक है, आपको शायद याद होगा तो पिछली कुछ टेस्ट सीरीज अगर आपने अच्छे से ली है तो मैंने आपको एक कंडीशन कराई थी, जैसे 10:15 बज रहे होते हैं. ठीक है, तो सवा जो होता है ना उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर. क्या बोलते हैं? क्वार्टर. ठीक है, और निकल गया है टाइम तो पास्ट आ जाता है, तो क्वार्टर पास्ट 10 का मतलब होता है 10:15. और अगर 9:45 हो रहे हैं तो 15 मिनट को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर. क्या बोलते हैं? क्वार्टर.
और बजने वाले हैं तो टू आ जाता है, क्वार्टर टू टेन। टाइमिंग लिखने का तरीका समझ लो, कल को छोटे भाई बहन ने पूछ लिया भैया भैया दीदी दीदी क्या होगा, दिक्कत आ जाए। ठीक है चलो। हाँ भाई कैरी ऑन। हाँ भाई आकाश से सोदिया चला जाओ। इट इज क्वार्टर टू टेन बाय माई वॉच। तो हम लोगों ने देखा क्वार्टर टू टेन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग से पहले ए वगैरह नहीं आएगा, सेकंड पार्ट में एरर होगी। ठीक है निशांत ने कहा नॉट ओनली कर दो। बेटा नॉट ओनली अगर यहाँ पे कर दोगे तो फिर बट ऑल्सो कहा इसके साथ का कहा है बताओ, कहीं है क्या? नहीं है ना। चलो निशांत आपने पूछा बिल्कुल सही था, लेकिन ये गलत होगा। नॉट ओनली अगर यहाँ पे करोगे तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में बट ऑल्सो लाना पड़ेगा, जबकि बट ऑल्सो है नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। इट इज अ क्वार्टर टू टेन नहीं चलेगा, इट इज क्वार्टर टू टेन चलेगा। जैसे सवा दस हो रहे हैं तो क्वार्टर पास टेन, और कल पौने दस हो रहे हैं तो क्वार्टर टू टेन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। माई कजिन विद हर पेरेंट्स हैव गॉन टू चेन्नई। मेरी कजन है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गई हुई है? चेन्नई गई हुई है। याद रखें कजन अपने आप में क्या होता है, चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द नहीं लाया जाता। दा भारत वाली जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ बताओ मेरे को गलती कहाँ पर है सिक्स वाले में। जल्दी जल्दी बताते जाओ। चलो चेक करें। अच्छा एक बात बताओ कौन कौन गया है? मेरी कजन गई है, एक अकेली है यानी सिंगुलर है। किसके साथ गई है? अपने पेरेंट्स के साथ। मान लो पांच लोग पेरेंट्स हैं उसके, ठीक है, और एक अकेली वो है, कितने लोग हो गए टोटल? छह। छह के हिसाब से क्या आना चाहिए? है बिल्कुल आपका सोचना सही है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर दो सब्जेक्ट्स विद से जोड़े जाएं, अगर दो सब्जेक्ट्स किससे जोड़े जाएं? विद से जोड़े जाएं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? अपना माई कजन। माई कजन कैसा दिया? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज। मैंने कई बार आपको नोट लिखवाया कि अगर एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग विद इन सबके साथ वो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट इस समय कौन था? कजन। कजन सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हैज आएगा। ओके नेक्स्ट। सचिन इज एन इंडिफरेंट स्टूडेंट। इंडिफरेंट कौन होता है? इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। एक ऐसे पर्सन जिसके चेहरे पे हमेशा 12 से बजे रहते हैं। कुछ कुछ पर्सन होते हैं ना हमेशा जिंदगी से हताश और निराश जो लोग होते हैं उनको हम इंग्लिश में इंडिफरेंट होते हैं। सचिन इज एन इंडिफरेंट स्टूडेंट। सचिन एक उदासीन सा स्टूडेंट है। ही इज ऑफन एट ऑल, वो हमेशा हमेशा क्या रहता है? ही इज ऑफन एट सी, वो हमेशा क्या रहता है? ऑल एट सी, हमेशा अक्सर। ऑफन का मतलब हो गया अक्सर, वो हमेशा ऑल एट सी रहता है। सर ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? ऑल एट सी का मतलब होता है असमंजस में। कई पर्सन होते हैं ना बड़े खोए हुए से रहते हैं, होते ना कोई पर्सन बहुत होते हैं, आपने देखा होगा प्यार में पड़ जाते हैं तो बस आसमान की तरफ चांद की तरफ देखा करते हैं और केवल सोचा करते हैं यदि तुम होती तो ऐसा होता, यदि तुम होती तो वैसा होता, है ना। तो ऑल एट सी का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज जो पर्सन होता है ना उसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली कंफ्यूज। वेरी गुड, सही आंसर था। जिन्होंने नहीं लगाया हो, नहीं लगाया तो वेरी गुड। अगला देखो। आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन, मैं उस बुजुर्ग से व्यक्ति की अब इंतजार कर रहा हूँ टू किक द बकेट, कि वो क्या करे, आए और बकेट को क्या लात मार दे बाल्टी को। नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब मर जाए, और मर जाए तो मतलब आंसर होगा टू डाई। क्या हो जाएगा? टू डाई, किक द बकेट। अब सर किक द बकेट का मतलब मर जाना कैसे होगा? तो आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, वो ऐसी मटकी सी लेते हैं, वो चारों तरफ परिक्रमा करते फिर मटकी फोड़ देते हैं। तो पहले मटकी फोड़ी करती थी, अब हम लोग क्या कर देते हैं? बाल्टी बना देते हैं। उसको क्या बना देते हैं? किक द बकेट। मैंने तो ऐसे याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा टू डाई। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास हो जाना। क्या हो जाता है? पुल अ लॉन्ग फेस, उदास। ये होता है मरना। अब जैसे पुल अ लॉन्ग फेस, उदास, उदास को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूमी। क्या बोलते हैं? ग्लूमी। सर ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है जिंदगी से हताश और निराश जो लोग होते हैं ना
उन्हें कहा जाता है ग्लूमी कहा जाता है, जिनके जीवन में उमंग ही नहीं है, वो हमेशा हमेशा बहुत उदास से बैठे रहते हैं, एक्साइटेड जोशीले हो गए, डिस्टर्ब बहुत परेशान बेचैन, यौन, यौन का मतलब होता है उबासी, उबासी ली जाती है, जम्हाई ली जाती है उसे, जम्हाई लिखना, जम्हाई मत लिख देना, हाँ चलो नेक्स्ट, डिटेस्ट, जल्दी से पढ़ो आंसर बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर, यौन जम्हाई लेना, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप, तो डिटेस्ट का बताओ सिनोनिम, चलो आ जाए, डिटेस्ट, डिटेस्ट मीन्स होता है किसी से घृणा करना, क्या होता है घृणा करना, डिटेस्ट से बनता है डिटेस्टेबल पर्सन, डिटेस्टेबल पर्सन कौन होते हैं, ऐसे पर्सन जिनसे हमेशा घृणा की जाती है, डिटेस्टेबल मैटर्स होते हैं, डिटेस्टेबल पर्सन होते हैं, उन सबको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिटेस्ट, अब जैसे घृणा करना है, लेकिन अब चाहिए आपको क्या, सिनोनिम चाहिए, और सिनोनिम चाहिए तो आंसर हो जाएगा डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब ये होता है घृणा करना होता है, टेस्ट हो नहीं सकता तो लाइक पसंद करना हो जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी रुचि लेना, सब अपोजिट जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए, बी डिसलाइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी डिसलाइक, चलो कमेंट्स जल्दी से आंसर बताना, कमेंट्स, कमेंट्स मीन्स होता है शुरुआत करना, क्या होता है शुरुआत, जो लोग कॉमर्स वाले होंगे ना वो अच्छे से समझते होंगे इस बात को, क्या होगा किसी भी चीज की शुरुआत करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है, जैसे आप शायद वो बनाया करते थे बैलेंस को, नहीं बैलेंस शीट नहीं, कुछ ट्रायल बैलेंस, द बिजनेस वॉज कमेंस्ड विद द कैपिटल ऑफ दैट दैट दैट, तो बिजनेस शुरू किया गया इतनी इतनी कैपिटल से, तो शुरुआत करना, और शुरुआत करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट, क्या बोलते हैं स्टार्ट, स्केड्यूल तो हो गया किसी चीज की सूची बनाना, डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है खंडन करना, खंडन करना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है मिलकर चार पांच लोगों ने पार्टनरशिप बना ली, अब सब अलग अलग हो गए तो डिसॉल्व होगा, कॉन्क्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष पहुंचाना, क्या होता है निष्कर्ष, वो होगा नहीं, ठीक है, तो चैंपियंस इनमें से कुछ नहीं, वो निष्कर्ष लिखा समझ में आ गया ना, काहे के लिए इतना दिमाग लगाना, चलो हटा देता हूँ, ले ठीक है खुश, निष्कर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा निष्कर्ष, अगला देखते हैं वॉच, वॉच का सिनोनिम क्या होगा, देखो लुक का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना, सी का मतलब भी देखना, गेज का मतलब भी देखना, ग्लैंस का मतलब, इस सब का मतलब होता है देखना, मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों का सही आंसर आएगा, जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो, इनॉग्रेशन कह सकते हो पूजा, निशांत ने ए लगाया, वेरी गुड बेटा, गलत है, चलो इधर आओ, देखना पड़ेगा, देखो सबसे पहले अगर बात करें सी, सी मतलब होता है सामान्य देखना, सी मतलब क्या होता है सामान्य देखना, एक सामान्य तरीका जिस तरीके से आप किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ, वो चीज क्या कहलाएगा सी कहलाएगा, क्या कहलाएगा सी, लुक का मतलब होता है एकदम से देखना, क्या होता है एकदम से देखना, मैंने कहा आप इधर उधर मुंह करे हुए, तो मैंने कहा लुक एट द बोर्ड, तो आप एकदम से बोर्ड की तरफ देखोगे, या फिर जिस भी चीज को देखने से आपकी आईब्रोज ऊपर की तरफ हो जाए, जैसे मैंने कहा पंखे की तरफ देखो तो आप ऊपर देखेंगे, तो आईब्रोज ऊपर जा रही है, जहां ऊपर जा रही है यानी कि लुक होता है एकदम से देखना, गेंस का मतलब होता है घूरना, क्या होता है घूरना, लगातार देखने को कहा जाता है, और ग्लेंस, ग्लेंस का मतलब होता है झलक, झलक मारना, किसी चीज पर बस एक नजर मारना है, झलक मारना, समझ ही गए होगे, झलक तो मारते रहते हो ना, तो वो चीज झलक मारना वो क्या कहलाएगा ग्लेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा ग्लेंस, ठीक है हाँ। तब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर वॉच, वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन जाएगा कौन सा, घूरना जाएगा यानी गेज जाएगा, क्या जाएगा घूरना यानी गेज, ठीक है चलिए सभी लोगों का लगा देना सी, गेज घूरना इज द राइट आंसर, शिवानी आपका आंसर सही था, हाँ आपका बता दिया मैंने सी गेज सही था, चलो कैरी ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड एवरीथिंग फिल इन द ब्लैंक्स टू स्टडी एट होम, उसने सब कुछ किया स्टडी के अलावा, तो आपको याद रखना एक कॉम्बिनेशन होता है कि अगर सेंटेंस में डू समथिंग मिल जाए
डू एनीथिंग मिल जाए या फिर डू एवरीथिंग मिल जाए, इन सब के साथ हमेशा बट चलता है। क्या चलता है? बट, एक कॉम्बिनेशन में चलता है, डू समथिंग बट, डू एनीथिंग बट, डू एवरीथिंग बट, इन सब के साथ हमेशा हमेशा बट चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। क्लियर सभी को? जो भी रहेगा मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि डू समथिंग बट, डू एनीथिंग बट, डू एवरीथिंग बट, जब जब लाऊंगा तो उसके साथ हमेशा बट लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो यहाँ पे आंसर हो गया बट। कुछ चीजें क्या होती है, समझने की नहीं होती, कुछ चीजें रटने की होती है, वो एक कॉम्बिनेशन है। अब जैसे कई लोग होते हैं ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो दिमाग खराब होता है, इसलिए दिमाग मत लगाओ ज्यादा। ठीक है, जो है सब बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, ज्यादा डाउट मत किया करो, नहीं दिक्कत होती है ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा क्या, अब सर ये कॉम्बिनेशन, अब जैसे देखो हर चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं। अब कल को तुम पूछो यार सी को सी क्यों पढ़ते हैं, ए को ए क्यों पढ़ते हैं, एम को एम क्यों पढ़ते हैं, भैया उनका नाम है, जैसे वो लिखेगा वैसे आपको पढ़ना पड़ेंगे। इसके लिए प्रैक्टिकली मैं विलियम शेक्सपियर को तो जिंदा कर नहीं सकता हूँ, तो बस वही चीजें कॉम्बिनेशन है। आपको ये देखना है डू एवरीथिंग लिखा है तो इसके साथ बट चलता है कॉम्बिनेशन में, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में पहली चीज तो एक गलती हो गई, छोटी सी गलती ये हो गई है, या तो इसमें नन ऑफ दीज आना चाहिए या फिर इस जगह वाई नहीं आना चाहिए, इस जगह वाई नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, द रीजन जो शब्द होता है, द रीजन शी इज क्राइंग, बट रीजन वो रो रही है, वाई द रीजन वाई शी इज क्राइंग, वो क्यों रो रही है, She has broken up, कि उसका ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, the reason और the reason why के साथ हमेशा हमेशा क्या चलता है, that। अगर चाहो तो why यहाँ पे लगा दोगे तो दो दो बार why लगाओगे, नहीं तो फिर मजबूरी में आप ऑप्शन that का लगाओगे, इसका लगाओगे that। The reason why she is crying that, याद रखना the reason के साथ हमेशा हमेशा that या why चलता है, क्या चलता है, why। चलिए आंसर हो गया that। Next, she always try to peep, वो हमेशा हमेशा क्या करती है, peep fill in the blanks the matters, क्या है, मुद्दों को देखने की कोशिश करती है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है पीप इनटू, सर पीप इनटू होता क्या है, पीप इनटू होता क्या है, पीप इनटू होता है ताका झांकी करना। क्या होता है, ताका झांकी करना, ताका झांकी करते थे, याद करो वो स्कूल के दिन जब आपके साथ क्या हुआ करता था, स्कूल में जब टीचर कहते थे ना वो बोर्ड के एग्जाम में गर्दन नहीं घूमनी चाहिए नहीं तो गर्दन फ्रैक्चर हो जाएगी, यहां से कोई दिक्कत नहीं सर गर्दन नहीं घूमेगी, आंखों को कौन रोक लेगा, फिर आप बगल वाले की कॉपी में ऐसे झांकते थे, उसको पीप इनटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीप इनटू, ताका झांकी करना, क्या होता है, ताका झांकी करना, आंसर पीप इनटू चलेगा, क्या चलेगा, पीप इनटू, इट्स अ फ्रेजल, एक फ्रेजल है पीप इनटू। सर ये भी एक देखने का तरीका होता है, अगर आपको देखने के सारे वर्ड्स जानने हैं कुछ मत करो, मनीष सर यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी पढ़ रहे हो उस पर एंटर मारो, उस पर लिख दो द वर्ड्स ऑफ सी, यानी देखने के शब्द, तुरंत एक वीडियो निकलेगी, उस वीडियो में देखने के अलग अलग बहुत शानदार शानदार तरीके बताए गए हैं, वो सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ पैसेज के ऊपर, बढ़िया सा पैसेज है, थोड़ा छोटा छोटा जरूर दिखेगा लेकिन अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हाँ कैरी ऑन। मैं ज्यादा डिटेल में, हाँ जैसे मैंने कहा द रीजन द सिचुएशन ऑफ कोलंबस, कोलंबस की जो सिचुएशन थी वो क्या कहता है, कैन इट बी जूम अ लिटिल बिट, नो देर इज नो स्पेस फॉर जूम इट, ठीक है, इसको जूम करने के लिए कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत दे रहा है क्या, अच्छा एक बार बताओ जल्दी से बताओ, दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है, जूम करना है क्या, ठीक ठाक दिख रहा है ना, पढ़ने लायक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर हम लोग, है ना, इनविजिबल, वेरी गुड। मेहनत करवाते हैं तुम लोग, इधर आओ, अब आधा आधा करके पढ़ना पड़ेगा, अब दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा, चलो हाँ भाई अब ठीक है। हाँ, उसने कहा द सिचुएशन ऑफ कोलंबस, कोलंबस की जो सिचुएशन थी, क्या कहा उसने, द सिचुएशन ऑफ कोलंबस, कोलंबस की जो सिचुएशन थी वॉज डेली, वो क्या थी, वॉज डेली बिकमिंग मोर, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, मोर। मैंने याद रखना एक कंडीशन होती है कि जब जब सेंटेंस में बिकमिंग शब्द मिलता है, क्या मिलता है, बिकमिंग, जब जब सेंटेंस के अंदर हमको बिकमिंग शब्द मिलता है तो बिकमिंग के साथ में हमेशा हमेशा क्या चलता है, मोर शब्द चलता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री आती है। जल्दी से नोट डाल के लिख दिए, गेट ग्रो बिकम के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लाई जाती है।
जल्दी से कंपैरेटिव लिख दीजिए, डिग्री लिख दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री गेट ग्रो बिकम के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लाई जाती है। गेट ग्रो बिकम के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लाई जाती है। लिख दिया, चलिए उसने कहा द सिचुएशन ऑफ, लिख दिया होता देखो द सिचुएशन ऑफ द कोलंबस, कोलंबस की जो सिचुएशन थी वॉज डेली बिकमिंग मोर एंड मोर क्रिटिकल। वो धीरे धीरे वो कैसी होती जा रही थी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। कैसी होती जा रही थी, क्रिटिकल। सर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मीन्स होता है गंभीर। ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्रिटिकल, इसका मतलब क्या होता है, गंभीर। नेक्स्ट वर्ड आता है आगे, कहता है इन प्रोपोर्शन ऑफ, इन प्रोपोर्शन किसके मुकाबले, एज ही अप्रोच द रीजन्स। अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंचना। अप्रोच मीन्स क्या हो गया, पहुंचना। जैसे जैसे वो जहां जहां पहुंचता जा रहा था वहां पर उसकी सिचुएशन और ज्यादा बेकार होती जा रही थी। ठीक है, द रीजन्स, रीजन्स का मतलब क्या हो गया, रीजन्स मीन्स हो गया क्षेत्र। क्या हो गया, वो क्षेत्र जहां पर वो, कोलंबस के बारे में तो दुनिया में सब जानते हैं, कोलंबस कौन था, इन्वेंटर ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खोज करने वाला है ना। तो यहाँ पर अप्रोच, जहां जहां वो उन क्षेत्रों में जाता था, वेयर ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड द लैंड, जहां पर उसको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, लैंड यानी जमीन मिलेगी। द इंपेशियंस, इंपेशियंस बेटा क्या होता है, इंपेशियंस मतलब होता है उतावलापन। ऑफ द क्रू, क्रू कौन हो गए, उसके साथ के मेंबर्स, क्या हो गए, उसके साथ के मेंबर्स। अगर आप में से किसी पर्सन को ये दोबारा देखना, मतलब जो चीज समझ में नहीं आया दोबारा देखना, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, मतलब प्ले कर लेना। तो धीरे धीरे उतावलापन था जो क्रो का, वो ऑगमेंटेड, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऑगमेंट हो रहा था। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज में ऑगमेंटेशन आना, यानी बड़ा बढ़ोतरी होना, उसको इंग्लिश में होते हैं ऑगमेंटेशन। ठीक है, द फेवरेबल साइंस, कुछ कुछ अच्छे साइंस, यानी अच्छे अच्छे उनको साइंस मिलते थे। साइन मतलब एक तो चिन्ह को बोलते हैं साइन, और दूसरा साइन का मतलब होता है, जैसे एक तो चिन्ह को बोला जाता है तो यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा साइन का एक और मीनिंग होता है। हाँ यही चीज, अगर मैंने आपसे कहा फेवरेबल साइंस, तो फेवरेबल मतलब क्या हो गया, जो चीज उनको बहुत अच्छी लगे, और साइन मतलब क्या हो गया, एक तो इशारे, इशारे को भी बोला जाता है साइन, और साइन के कई अलग अलग मीनिंग होते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर आपने जैसे कहते हैं ना गुड साइन, अच्छी, क्या बोलते हैं, शगुन टाइप जिसको कहा जाता है, कई बार उनको अच्छे अच्छे शगुन से मिलते थे, विच इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस, जिसने पढ़ाया था उसका कॉन्फिडेंस। वर डिराइडेड बाय देम, लेकिन उनके द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, डिराइड कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है, किसी का मनोबल कम कर देना, मजाक उड़ाकर, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिराइड, क्या बोलते हैं, डिराइड। चलिए, डिराइड देम एज डिल्यूसिव, और उसको क्या कह दिया था, ये सब क्या है, भ्रम है, मोमा है, सब, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिल्यूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिल्यूसिव। डिल्यूसिव मतलब होता है भ्रम। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इल्यूजन, एक होता है डेल्यूजन। इल्यूजन और डेल्यूजन दोनों ही भ्रम के लिए आते हैं, लेकिन इल्यूजन क्या होता है, वो केवल और केवल दृष्टि भ्रम, और डेल्यूजन मतलब, इल्यूजन में क्या हो रहा है, केवल हमने जो देखा है, हमने जो देखा है वो वास्तविकता में था नहीं, वो इल्यूजन है। और डिल्यूजन मतलब कई बार होता है, हम बैठे हैं, हमें किसी की आवाजें सुनाई दे रही हैं, किसी का ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई बगल से होकर गुजरा है, कोई अपना सा है ना, वो हमारा डिल्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिल्यूजन। किसी की मौजूदगी का गलत एहसास जो होता है उसको डिल्यूजन बोला जाता है, और जब आंखों से आपने किसी को कोई और समझ के कुछ और देख लिया, उसको इल्यूजन कहा जाता है। ठीक है चैंपियंस, चलो। एंड देयर वॉज अ डेंजर, कोई खतरा सा हो गया था, ऑफ देयर रिबेलिंग। अब धीरे धीरे जितने भी उसके क्रू मेंबर्स थे, उसके साथ के लोग थे, वो कैसे थे, बहुत ज्यादा उनको क्या करना चाहते थे, वो उससे विरोध करने लगे। रिबेल मतलब होता है विरोध करना, विद्रोह, बागी बनने लगे, एंड ऑब्लाइजिंग। कभी कभी तो उसकी बात को नहीं मानते थे, नकार देते थे, और कभी कभी उसकी बात को मान लेते। ऑब्लाइज मतलब कहना मानना, और रिबेल मतलब विद्रोह करना। हिम टू टर्न बैक, उसको कहते थे यार एक काम करो, वापस चल, चलो नहीं मिल पा रहा, अपन पूरा तो देश नहीं खोज पा रहे, छोड़ो। वेन ऑन, जब क्या हुआ, ऑन द पॉइंट ऑफ रियलाइजिंग, जब इस चीज का एहसास हुआ, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल, कि उन सब का जितना भी आपत्ति है, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया आपत्ति, ऑफ ऑल हिज लेबर्स, जितने सबने आपत्ति जताई, भले उसके जितने भी लेबर्स थे, उसके साथ ही थे, उन सब ने आपत्ति जताई। दे बिहेल्ड देमसेल्व्स, बिहेल्ड मतलब बिहोल्ड की सेकेंड फॉर्म है, और बिहेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को प्यार भरी नजरों से देखना। प्यार भरी नजरों से देखने का मतलब समझते हैं आप, देखा है किसी को प्यार भरी नजरों से। मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो कभी गुस्सा नहीं आता, हमेशा प्यार भरी नजरों से देखते हैं, उसी को हम इंग्लिश में बिहोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिहोल्ड। तो आप कुछ और सोच रहे थे क्या, चलिए आ जाओ। हाँ, तो दे बिहेल्ड, उन्होंने देखा क्या, बहुत निहार रहे थे देमसेल्व्स विद डिस्मे, किसके द्वारा, एक डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है निराशा, एक निराशा के साथ, स्टिल वाफ्टेड ऑनवर्ड, और अभी भी वो क्या कर रहे थे,
वाफ्टेड ऑनवर्ड, आगे बढ़ते जा रहे थे, ओवर द बाउंडलेस मिस्ट्रीज ऑफ व्हाट ही अपीयर्ड. वो फालतू में वो ये सोच रहे थे, यानी मखौल उड़ा रहे थे, अब कह रहे थे यार फालतू हम लोग बाउंडलेस फालतू में आगे बढ़ते जा रहे हैं. और व्हाट अपीयर टू देम, कि उनको और आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अ मेयर वाटरी, आगे जाके उनको केवल और केवल क्या दिख रहा था, वाटरी डेजर्ट, एक ऐसा रेगिस्तान जहां पर आगे जाके ऐसा लग रहा था पानी हो. आपने देखा होगा मृगमरीचिका की स्थिति जिसको कहा जाता है, यानी मिराज की स्थिति जिसको बोला जाता है ना, मिराज की स्थिति कौन सी होगी, जब आपने देखा होगा आगे जाके तो रेगिस्तान में होता है ना, थोड़ी दूर पर पानी होने का एहसास होता है कि हाँ पानी है पानी है पानी है, लेकिन कुछ नहीं होता, वो सारी चीजें है ना. डेजर्ट सराउंडिंग द हैबिटेबल वर्ल्ड, जो कि घिरा हुआ था, सराउंडिंग मतलब घिरा होना, द हैबिटेबल वर्ल्ड, पूरे के पूरे हैबिटेबल वर्ल्ड. व्हाट वाज टू बिकम ऑफ देम, उन सबसे क्या होने वाला था, शुड देयर प्रोविजंस फेल, क्या उनका जितना भी इंतजाम किया गया, प्रोविजंस मतलब इंतजाम, वो सारे असफल हो जाएंगे. हाँ चलिए, हाँ देयर शिप्स वर टू वीक, अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनके जितने भी जहाज थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा कमजोर से हो गए थे, एंड डिफेक्टिव, और बहुत ज्यादा बेकार से, टूट फूट से गए थे, इवन फॉर द ग्रेट. अब उसके आगे का मैं मैसेज आपको दोबारा से और करना पड़ेगा, ठीक है, दो सेकंड वेट करें. हाँ, should their provisions fail, their ships were due, हाँ, and defective. Even for the great voyage, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं उन्होंने की. Voyage का मतलब होता है लंबी और थका देने वाली यात्राएं जो होती है, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं voyage, ठीक है. लेकिन इसको अगर इंग्लिश में, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड नहीं है, इट्स स्पेनिश या दूसरा वर्ड है, इसको वोइज नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं voyage. क्या पढ़ा जाता है, voyage, ठीक है. चलिए, कभी कभी गुड बाय को हम लोग इंग्लिश में बॉन voyage बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बॉन voyage. तो थोड़ा स्टैंडर्ड बनो यार इंग्लिश में, लगना चाहिए आप मनीष सर के स्टूडेंट हो, ठीक है. तो कभी भी गुड बाय बोलना है तो किसी को ऐसे गुड नाइट गुड बाय मत बोला करो, थोड़ा स्टैंडर्ड में बोला करो, बॉन वोयाज. क्या बोलोगे, बॉन वोयाज. हाँ, तो ग्रेट बॉन वोयाज, तो वो कहते हैं ग्रेट वोयाज, बहुत लंबी यात्रा के बाद दे हैड ऑलरेडी मेड, उन्होंने उन चीज को लेकर आए दैट, बट इफ दे स्टिल वर टू प्रेस फॉरवर्ड, अगर उनको और आगे बढ़ाया जाए, एडिंग एट एवरी मोमेंट, हर आगे के क्षण में, to the immense expanse, immense मतलब बहुत ज़्यादा, expanse मतलब विस्तार, कोई चीज़ और बड़ा करते जाना, उसको कहा जाता है, ठीक है? हाँ, swag level, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है? Behind them, उनके पीछे, how should they ever be able to return? कि वो अगर आगे चले भी गए, जैसे जैसे वो जहाज टूटे फूटे से, तो वापस कैसे आएंगे वो वहां से, having no intervening hold, उनके पास और कोई intervening मतलब होता है आपस में जुड़े हुए कोई, मतलब उससे संबंधित कोई और रास्ता नहीं था, वेयर दे माइट विक्चुअल एंड रेफिट, जहां पर वो खाना पीना खा सके, मतलब उनके पास ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई ठिकाना नहीं था जहां पर उनको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. विक्चुअल मतलब खाना पीना, और रेफिट का मतलब होता है किसी चीज को पीछे खींच लेना, वापस ले लेना, ठीक है. वर दे टू सेल, क्या उनको अब सेल आगे बढ़ना चाहिए था, अंटिल दे पेरिस्ट, या वो आगे, या फिर एक मन में सोच लें कि वो आगे बढ़ते रहे, दे पेरिश, जब तक कि वो मर ना जाए. पेरिश का मतलब होता है मरना, क्या होता है, पेरिश, पैसेज बहुत अच्छा है, अच्छे वर्ड्स हैं इसमें. और अंटिल द ऑल द रिटर्न, या फिर सबके सब वापस लौट जाएं, बिकेम इम्पॉसिबल, लेकिन वो भी असंभव सा हो गया, वापस लौटेंगे तो भी मरने का डर है, आगे पहुंचेंगे तो भी मरने का डर है. इन सच केस, ऐसे केस में दे वुड टेक द ऑथर्स ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन, वो सबके सब अपने ही खुद ने अपने विनाश का क्या कर लिया था, एक लेख लिखने जा रहे थे, अगर वो उनको आगे जाके सफलता नहीं मिलती तो वो क्या हो जाता, उस समय उनका विनाश हो जाता, यानी वो के सब के सब मारे जाते, वो तो सफलता मिल गई, सब के सब बच गए, ठीक है. चलो, अब मेरे ख्याल से ये हो गया. नेक्स्ट पैसेज, द मेन फियर ऑफ द क्रू, क्रू का सबसे मेन फियर क्या था आपके हिसाब से, सबसे मेन फियर क्या था, दैट वंस देयर स्टॉप्स एग्जॉस्टेड, यदि उनका खाना पीना एक बार का खत्म हो जाएगा, दे वुड पेरिश, वो मर जाएंगे. पहला डर ये था क्या, that Columbus would complain about them, Columbus unki shikayat kar dega, that they would never find the land, unko kabhi zameen nahi milegi, and that Columbus would have them in the lurch, ki Columbus unko beech raah mein chhod dega. In the lurch ka matlab hota hai beech raah mein chhod dena. Ab beta aap log answer jante ho, answer hoga A, ki unko ye dar tha ki agar hamara saadhyo saman khatam ho gaya, to ye to malum tha aage jaake hame dharti milegi, sab kuch milega, lekin agar aisa hua to hum log kya hoga, mar jayenge, theek hai.
इन सच केस, ऐसे केसेस में इन द लास्ट लाइन में पैसेज रेफर्स टू, लास्ट लाइन में पैसेज ने क्या बताया, द वीक एंड डिफेक्टिव शिप्स की कमजोर से, इन सच केसेस के अंदर जो पैराग्राफ दिया था उसमें क्या बताया, कमजोर और डिफेक्टिव शिप के बारे में बताया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑथर्स उनके विनाश के बारे में बताया है, sailing on वो आगे बढ़ते जा रहे थे until they reach land, जब तक कि वो लैंड पर नहीं पहुंचे, और sailing on वो आगे बढ़ते गए until they perish, जब तक मर नहीं जाएं, और until all the return become possible, impossible, और जब तक कि वो असंभव को संभव ना बना दे, तो आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट, as Columbus crew approached the regions, जब कोलंबस के जितने भी दल थे वो अप्रोच पहुंचे थे उन क्षेत्रों में, where he expected to find it then, जहां पर उम्मीद थी उनको कि हाँ पृथ्वी मिलेगी, जगह मिलेगी, ठीक है, अब वो कैसे हो गए थे, their impatience increased, उनका उतावलापन बढ़ गया था ऐसी जगह पर पहुंचकर, their impatience neither increased nor decreased, उनका उतावलापन ना तो बढ़ा था ना कम हुआ था, their impatience vanished, vanish का मतलब होता है गायब हो जाना, उनका उतावलापन जो था वो गायब हो गया था क्या, नहीं भैया गायब थोड़ी ना हुआ था, their impatience diminished, डिमिनिश मतलब होता है कम, नहीं, शुरुआत वाले पे पैराग्राफ में बताया था उनका उतावलापन तो क्या हो गया था, बढ़ गया था, बढ़ गया था, तो आंसर होगा ए होगा, क्या होगा ए। चलिए अगला, द डेंजर दैट कोलंबस फेस्ड फ्रॉम हिज क्रू, एक खतरा कोलंबस को अपने क्रू से, अपने दल से क्या था, दैट दे माइट डेजर्ट हिम, कि वो हो सकता है उसको छोड़कर चले जाएं, डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, दैट दे माइट रिवोल्ट, हाँ उसका विद्रोह कर दें, and force him to return, और उसको मजबूर करें वापस लौटने पर, that they might perish, वो मर जाएंगे शायद, that they might throw him into the sea, कि वो उसको समुद्र में फेंक देंगे, answer होगा B, that they might revolt, वो उसका विद्रोह करने लगेंगे एक समय पर आकर, और force him to, ठीक है, force him to, ये हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next, that word expanse means, expanse का मतलब क्या होता है, expanse का मतलब sea, समुद्र होता है, stretch, खींचना होता है, डेजर्ट छोड़ देना होता है, या लैंड, आंसर होगा स्ट्रेच, कोई चीज और विस्तृत करना, बढ़ाना, विक्चुअल एंड रेफिट का मींस क्या होता है, विक्चुअल एंड रेफिट मतलब कलेक्शन मोर मैन, कलेक्ट मोर मैन, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, मटेरियल इकट्ठा करना, टेक रिफ्यूज एज लॉन्ग एज द शिप की शरण लेना वो हो जाएगा, टेक रेस्ट आराम करना, फॉर द टेक फूड सप्लाई एंड रिपेयर द ऑब्जेक्ट, आंसर होगा डी, विक्चुअल का मतलब होता है खाने पीने का सामान इकट्ठा करना, और रेफिट का मतलब होता है किसी चीज की मरम्मत करना, किसी भी शिप वगैरह इन सब की मरम्मत करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफिट। इसी के साथ हमारा आज का टेस्ट समाप्त होता है, ठीक है, लेट मी चेक कौन कितने लेवल पे था, कैसा था, लेट मी चेक, जल्दी से इसको काउंट करो, 20 में से आपके कितने आए हैं, जल्दी से काउंट करो और मेरे को बताओ, ठीक है, आउट ऑफ 20 कितना कितना स्कोर आया, जल्दी कमेंट करके मेरे को बताइए, ठीक है, चलिए आज की क्लास ओवर, और ये जो है ना बेटा, आप चिंता मत कर, मैं तेरा अभी आईपी एड्रेस निकाल के अभी बताता हूँ तेरे को, ठीक है, आज की क्लास होगी।